Hi guys, today I am going to teach you exclamatory sentences of narration. How can we change exclamatory sentences from direct to indirect? Direct से indirect में exclamatory sentence कैसे बनाया जाता है? तो exclamatory sentence मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। ये already word जो है exclamation से बना हुआ है, exclamation जिसका मतलब होता है हैरानी या चिल्लाहट। मतलब ऐसे ये वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में विस्मय हो या हैरानी हो या आश्चर्य हो, अचंभा हो, प्रसन्नता हो, खुशी हो, दुख हो, ऐसे वाक्य जो हैं वो सभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल हैं, उन्हें मैं आपको भी बताऊंगा। तो पहले जैसे हमने किसी से सेंटेंस बोला, किसी एक लड़के ने या किसी मैन ने, किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ कहा, जैसे हाँ वाह मैंने परीक्षा पास कर ली है, वाह उर्रे, ऐसे वर्डों का इनमें प्रयोग किया जाता है। तुमने क्रिकेट मैच जीत लिया है, तो उसमें अगले सेंटेंस जैसे होते हैं, जैसे दुख है उसके घर में आग लग गई है, से दुख है उसके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। और अगले सेंटेंस है जैसे छी तुम बहुत ही घमंडी व्यक्ति हो, छी तुम बहुत ही एक गंदी आत्मा हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के कुछ स्पेसिफिक रूल। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वे सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिन वाक्यों में प्रसन्नता हो या दुख हो या आश्चर्य हो, तो वो सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। और इन सभी सेंटेंसेस की सबसे पहचान ये है कि लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा होता है। ये एक्सक्लेमेटरी क्या है? उल्टा आई। इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क विस्मय सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर लगा होगा, तो वो सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं इसके स्पेसिफिक लैंग्वेज पर, डिफिनेशन पर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ जॉय सॉरो और वंडर टू चेंज देम इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कोई भी जो सेंटेंस है वो एक जॉय हो या सॉरो हो या आश्चर्य वंडर हो, इनको इनडायरेक्ट में चेंज करता है, स्पीच में चेंज करता है। और उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स आर एडेड टू द सेंटेंस। उसके लिए ये सभी स्पेसिफिक वर्ड जितने हैं ये सभी यूज किए जाते हैं। स्पेसिफिक वर्ड इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज किया जाता है। तो अब हम लोग चल रहे हैं पहले रूल की ओर। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, जैसे हमें सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है, पहचान है, अगर डायरेक्ट वाले वाक्य में हुर्रा है, हा है या वाव है, ये इतनी चीन चीजें हैं, तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चलता है कि सेंटेंस हमारे कैसा प्रसन्नता पूर्वक है, हर्ष है या खुशी है। तो हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस को, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में, अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में हुर्रा, हा, वाओ, एलास, आह, आ, वेल डन, ब्रेवो, व्हाट, पू, नॉनसेंस, व्हाई, गुड हेवंस वाले वर्ड्स का यूज किया गया है, तो ये सभी सेंटेंस हमारे कैसे होंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। और इनमें रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा होगा। तो हम लोग चलते हैं सेंटेंस को पहचानने के लिए कि कैसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाए और कौन से स्पेसिफिक रूल्स हैं इसके लिए। तो पहले सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं पहले रूल की ओर। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा, हा या वाव है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे? सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या इसको डिलाइट भी कहा जा सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदलेंगे किसको? रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट
सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को स्प्लेंड विद जॉय या डिलाइट में बदलेंगे। दूसरे रूल की ओर चल रहे हम लोग। दूसरा रूल क्या है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में एलास है, आ है, ओह है, मतलब ये कैसे, ये सब दुख को इंडिकेशन कर रहे हैं, शोक को इंडिकेशन कर रहे हैं। अगर ये है तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे? सेड या सेड टू जो भी होगा रिपोर्टिंग वर्ब को, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो, या इसे ग्रीफ में भी बदला जा सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ में बदला जाएगा। किसको बदला जाएगा? एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ में। नेक्स्ट रूल पर चलते हैं हम लोग, रूल नंबर 3। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी को शाबाशी दी गई है या किसी की प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की गई हो या शाबाशी दी गई हो, तो हम लोग क्या करेंगे? वेल डन हो या ब्रेवो हो, तो फिर हम लोग सेड या सेड टू को क्या करेंगे? सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज में बदला जाएगा। नेक्स्ट नंबर रूल, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट है, गुड गुड गॉड है, गुड हेवेंस है या गुड गॉड है, तो इन वाक्यों में क्या होगी? आश्चर्य होगी, विस्मय होगी या हैरानी होगी, तो हम लोग सेड या सेड टू को एक्सक्लेम विद रिग्रेट या सरप्राइज में बदलेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, रूल नंबर हमारा 5 के है। 5 क्या है? अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पू है, नॉनसेंस है, फाई है, धिक्कार छी है ना, ये ऐसे वर्ड का यूज किया गया जिसमें दूसरे के प्रति क्या है, दूसरे के प्रति घृणा की गई हो, घृणा को इंडिकेशन किया गया हो, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब का सेड या सेड टू को हम लोग किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट में बदलेंगे, कॉन्टेम्प्ट में बदला जाएगा। और इसमें सबसे मेजर ये है कि कामा इनवर्टेड कामा के कनेक्टर हम लोग दैट का यूज करेंगे, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क की जगह हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप। ये बेसिक रूल्स हैं जिनको हम लोग एक के साथ एक एक करके वाक्य में बना सकते हैं, बेसिक रूल्स के द्वारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू द सेंटेंसेस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, हाउ कैन बी चेंज। तो आई एम कमिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, द सेंटेंस इज रिलेटेड टू द हुर्रा, हुर्रा या हा, दैट इज द सेम इक्विवेलेंट हुर्रा या हा, वी कैन से हा भी इसको कह सकते हैं या हुर्रा भी कह सकते हैं, बोथ आर द सुटेबल। तो आई एम कमिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस है रवि सेड हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, रवि ने कहा प्रसन्नता या खुशी के साथ क्या हो रहे, मेरे पुराने मित्र, मेरा पुराना मित्र आ गया है। तो पहला सेंटेंस क्या बना? जैसे मैं पहला बताया था कि अगर हुर्रा से है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट में बदला जाएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा बना रवि एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, अब हुर्रा का स्पेशल हो गया, इसको हटा दिया गया, तो रवि एक्सक्लेम विद जॉय दैट माय ओल्ड फ्रेंड, माय फर्स्ट पर्सन रिगार्डिंग टू द रवि, आई मीन माय ही हिम हिज हिज ओल्ड फ्रेंड हैज क्या हो जाएगा, हैज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हैड कम, इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा। सेंटेंस माना क्या बना? रवि एक्सक्लेम विद जॉय दैट हिज ओल्ड फ्रेंड, माय ओल्ड फ्रेंड क्या हो गया, हिज ओल्ड फ्रेंड हैज क्या हो गया, हैड कम। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, दे सेड हा वी हैव वन द मैच, हा या हुर्रा बोथ आर द सिमिलर सेम, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने मैच को जीत लिया है, प्रसन्नता के सूचक शब्द के साथ कहा है। तो उसमें सेंटेंस क्या हुआ हमारा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय इनवर्टेड कॉमा प्लेस पर दैट हो गया, अब वी फर्स्ट पर्सन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट दे हैव हैड won the match। तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल था, एकदम सरल तरीके से बनाया गया, वी फर्स्ट पर्सन था तो दे के कारण इसको दे को दे कर दिया गया, वी को क्या हो गया,
दे में कर दिया गया, कनेक्टर हमारा यहां पर था इसकी जगह हम लोगों ने डैट का यूज कर दिया है। का क्या हो गया, हैव का हैड हो गया, बाकी सेंटेंस को उसी तरह इंटरचेंज किया गया, टेंसेस को चेंज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट रूल पर हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, ही सेड अलास आई एम रुइंड, उसने कहा दुख है मैं लुट गया बर्बाद हो गया। तो उसने क्या कहा, ही सेड, सेड की हमने क्या था कि अगर अलास है या दुख सूचक शब्द आ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो एक्सक्लेम विद सारो या ग्रीफ का यूज किया जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ दैट, अब इसका काम फिनिश। आई फर्स्ट पर्सन, ही कैरी टू ही, आई हो गया ही, एम का हो गया वाज, प्रेजेंट था एक किसमें हो गया पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, रुइंड वेरी सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चल रहे हैं हम लोग। अमन सेड ओह आई फेल इन द टेस्ट, मैं टेस्ट में फेल हो गया। तो किसने कहा, अमन ने कहा, इसको भी एक्सक्लेमेशन जो है वो कैसा है, सैड है, लास्ट में ग्रीफ में है। तो अमन एक्सलेम्ड विद सारो या ग्रीफ, दोनों तो सही है, बोथ आर सुटेबल, सारो या ग्रीफ दैट आई, अमन ने कहा हो गया ही लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, फेल्ड पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, ही हैड फेल्ड, पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, जिसमें चेंज किया गया, तो दैट ही हैड फेल्ड इन द टेस्ट, इन द टेस्ट। अमन के आश्चर्य के साथ, उसको दुख के आश्चर्य के साथ दुख हुआ कि वो परीक्षा में टेस्ट में फेल हो चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें किसी को शाबाशी दी गई है, शाबाशी वाला शब्द को यूज किया गया, ब्रेवो शाबाश ब्रेवो, ठीक, जिसको किसी शाबाशी दी गई है तो वहां अप्लॉडेड होता था, मैंने उसको लिखा था रूल में अप्लॉडेड। तो ही सेड टू अस, ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ही अप्लॉडेड अ सेइंग, इसको हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि उसने कहते हुए कहा है। तो ही अप्लॉडेड अ सेइंग, उसने हम लोगों को कहते हुए कहा डेथ, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है अस, अस का सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया वी, हैव का हो गया हैड, डन वेल, तो सेंटेंस क्या बना, ही अपलोडेड अस सेइंग दैट वी हैड डन वेल, वेरी सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। द सोल्जर सेड ब्रेवो वी हैव वन, शाबाश हम लोग जीत गए। तो उसने क्या है, लोगों के सोल्जर ने कहा टू द सोल्जर, द सोल्जर्स अपलोडेड अपलॉडेड, अब इसमें आप ऐसे ही लिखे चाहे ना लिखे अपलॉडेड या एक्सलेंट विद अप्लॉज, वो भी सही है, एक्सलेंट विद अप्लॉज, द सोल्जर अपलॉडेड दैट वी फर्स्ट पर्सन, द सोल्जर से कार्डिंग, सोल्जर ज्यादा है तो हो गया दे, हैव का हो गया हैड वन, तो इतना सेंटेंस को बनाया गया। अपलॉडेड के जगह हम लोग ये भी कहते हैं सोल्जर एक्सलेंट विद अप्लॉज, एक्सलेंट विद अप्लॉज, बट दिस इज अ सुटेबल सेंटेंस, द सोल्जर अप्लॉडेड, सोल्जर ने प्रसन्नता पूर्वक शाबाशी देते हुए कहा दैट दे हैड वन, की वे लोग जीत चुके थे। अब नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट अदर रूल ऑफ द सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम चल रहे हैं। द सेम सेट व्हाई यू आर ए वेरी डर्टी एंड इम्पायर सोल, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पर चल रहे हैं, तो जहां पर फाइट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीम विद कांटेक्ट, द सेंट स्क्रीम विद कांटेक्ट, काम की जगह क्या हो गया डेथ, यू सेकेंड पर्सन सेट ने किसी व्यक्ति से कहा, यहां पर थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, ही या सी में किसी को दैट ही वॉज, ही वॉज अ वेरी डर्टी एंड
इम्पायस सोल, इम्पायस सोल, ये सेंटेंस हमारा बनेगा ही इस तरीके से, सेंटेंस हमारा बना इम्पायस सोल। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चल रहे हैं हम लोग। द सेन एक्सक्लेम्ड दस घंटे बैड ही वाज वेरी डर्टी एंड इम्पायस सोल। सेकंड नंबर अंकित सेट, गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माय की समवेयर। और अंकित ने कहा कि मैंने आश्चर्य अचंभा है, मैंने कहीं पर अपनी चाबी गुम कर दी, खो दी। तो अंकित ने क्या इसको बनाया, अंकित सही नायक बना, अंकित एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट और सरप्राइज, दो में से किसी एक का ही यूज किया जाएगा, चाहे रिग्रेट का यूज किया जाए चाहे सरप्राइज का यूज किया, दो में से किसी एक का ही यूज किया जाएगा, रिग्रेट किया जाए या सरप्राइज। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर डैड का यूज करेंगे, गुड हेवंस का तो इस खत्म, आई फर्स्ट पर्सन, अंकित गार्डिंग हो गया, ही हैव का हो गया हैड, ड्रॉप्ड माई की आई मी माई, अंकित गार्ड हिम हिज की समवेयर, इस तरह वाक्य को जोड़ा गया। अगर आपको कोई भी प्रोनाउन बदलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी स्टार्टिंग की नरेशन की वीडियो में जाएं प्रोनाउन चेंज पर, उस पर देखें कि ये प्रोनाउन कैसे चेंज किए गए, कि आई का ही कैसे हुआ, माई का हिज कैसे हुआ, प्रोनाउन चेंज की वीडियो में आप जाए नरेशन की मेरी वीडियो पर, उस पर आप सब प्रोनाउन के वीडियोस देख सकते हैं और सब जानकारी ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, दिस इज ऑल्दो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये भी है, व्हाट से शुरू है, व्हाट के साथ एक्सक्लेमेटरी, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, सब में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में भी एक आश्चर्य है, अचंभा है, क्योंकि इसमें क्या दिखाया गया है, विस्मय है, व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज। तो इसमें अगर कोई व्हाट अ नाइस फ्लावर, यहाँ फ्लावर की विशेषता के बारे में बताया गया है, व्हाट अ फॉल इट इज, इसमें झरने की विशेषता के बारे में बताया गया है, तो अगर ऐसे किसी प्रकार के सेंटेंस मिले, व्हाट ए या हाउ से शुरू होने वाले हो, से हाउ से या व्हाट से शुरू होने वाले हो, तो ये भी सेंटेंस हमारे कैसे होंगे, एक्सक्लेमेटरी होंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन सभी सेंटेंसेस में लगा हुआ है, तो हमें इनको इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनाना है। तो इन सेंटेंसेस में हमें ये थोड़ा ध्यान करना है कि जिन सेंटेंसेस में अगर कोई एडजेक्टिव है, जिन सेंटेंसेस में कोई एडजेक्टिव का यूज किया गया है, तो वहां पर हम लोग वेरी का यूज करेंगे एडजेक्टिव की जगह, व्हाट ए हाउ की जगह, व्हाट अ या हाउ की जगह, अगर कोई एडजेक्टिव इसमें है सेंटेंस में, तो उसमें हम लोग इसको किसमें बदलेंगे, वेरी में। बिल्कुल सिंपल है, अगर व्हाट ए या हाउ के साथ सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आता है, तो व्हाट ए या हाउ को हटाकर हम लोग इसकी जगह वेरी का यूज करेंगे। अगर दूसरा रूल ये है कि व्हाट अ या हाउ की जगह पर कोई नाउन आ गया है, तो हम लोग इसमें इस सेंटेंस में उसके साथ ग्रेट का यूज करेंगे, तो व्हाट ए हाउ को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर ग्रेट का यूज किया जाएगा। और सेंटेंस हमारा स्ट्रक्चर पर है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पहले सब्जेक्ट को आगे लाके सेंटेंस को बनाएंगे, पहले किसको लाया जाएगा, सेंटेंस को आगे ला करके वाक्य को से असर्टिव में चेंज करके बनाया जाएगा। तो पहला सेंटेंस हमारा देखिए क्या है, दे सेड व्हाट अ नाइस फ्लावर इट इज, तो दे कैसा सेंटेंस हमारा, एक्सक्लेमेटरी है, दे एक्सक्लेम्ड, और ये जैसा सेंटेंस मोस्टली है एक्सक्लेम्ड से, इनमें सेड या सेड टू को मोस्टली एक्सक्लेम्ड ही बोला जाता है, एक्सक्लेम्ड भी सरप्राइज होता था, एक्सक्लेम्ड भी सरप्राइज भी होता है, एक्सक्लेम्ड भी सरप्राइज कर सकते हैं, यहां पर एक्सक्लेम्ड भी सरप्राइज भी लिखा जा सकता है, मगर सिंपली आपके कॉमन यूज में इसको एक्सक्लेम मास्टर के लिए एक्सक्लेम्ड का ही यूज किया जा रहा है। तो दे एक्सक्लेम्ड दैट, यहां पर एक्सक्लेम भी सरप्राइज का भी यूज किया जा सकता है, बस सिंपली यही सही है, दे एक्सक्लेम्ड दैट, सब्जेक्ट क्या हमारा, इट, इसका हो गया वॉज, इट वॉज अ नाइस फ्लावर, व्हाट एक उसमें बोल लेंगे, फ्लावर क्या है, नाइस एडजेक्टिव दिया है, इट एडजेक्टिव है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या रखेंगे, वेरी, इट वॉज अ वेरी नाइस फ्लावर, बस इस तरह सेंटेंस को यूज किया गया।
एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है फुल स्टॉप का यूज किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। द पीपल सेड व्हाट अ फॉल इट इज। अब इसमें भी ऐसे देखिए कितना अच्छा झरना है, किस तरह का झरना है, जैसे सेंटेंस को बताया गया है फॉल पानी या गिरना जलप्रपात है। तो द पीपल एक्सक्लेम विद सरप्राइज भी कह सकते हैं हम लोग, एक्सक्लेम भी सही है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट सब्जेक्ट इट, इसका क्या हो गया इट, इसका हो गया वॉस। वाटरफॉल, फॉल क्या है झरना, झरना क्या है नाउन, इसमें झरना की विशेषता नहीं बताई गई है। ये झरना क्या है हमारा एक नाउन है, नाउन होने के कारण यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेट का यूज करेंगे। दैट इट वॉज अ ग्रेट फॉल। अब ये हमारा जो था इसके पहले हम लोगों ने क्या यूज कर लिया है, ग्रेट का यूज कर दिया, इसमें वेरी का यूज नहीं हो पाएगा। तो हम लोग सेंटेंस क्या बनाया, द पीपल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट फॉल। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, सी सेड व्हाट अ पिटी इट इज। पिटी इज ऑल्सो ए नाउन, पिटी क्या है, पिटी मींस दया, तो पिटी भी एक नाउन है। तो हम लोग चलते हैं सी सेड, सी की जगह क्या हो गया, सी की जगह एक्सक्लेम्ड, उसने असेंबली से क्या, सी एक्सक्लेम्ड दैट, वंडर सफाई को लिखने की जरूरत नहीं है मोस्टली। तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट सब्जेक्ट हो गया, इसका वाज हो गया, इट वाज अ नाउन है, तो नाउन के कारण क्या हो जाएगा, यहां पर नाउन होने पर ग्रेट हो जाएगा, व्हाट या हाउ किस बदल जाएगा ग्रेट में, इट वाज अ ग्रेट पिटी, इस तरह सेंटेंस को बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस, अंजू सेड हाउ क्लेवर आई एम। तो अंजू ने कहा हाउ क्लेवर है, मैं कितना ज्यादा चालाक हूं, तो मेरी क्वालिटी यहां पर दी गई, मैं सब्जेक्ट हूं और मेरी क्वालिटी क्या है, क्लेवर। तो क्लेवर क्या यहां पर एक एडजेक्टिव है, ऊपर सेंटेंस में नाउन था यहाँ पर पिटी, अब यहाँ पर क्या है क्लेवर एडजेक्टिव का यूज किया गया है। तो एडजेक्टिव जहां पर होता है तो वहां पर व्हाट या हाउ को वेरी में चेंज किया जाता है। तो पहले सेंटेंस में आते हैं हम लोग, अंजू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, देख सकते हैं नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, अंजू एक्सक्लेम्ड दैट आई अंजू के अकॉर्डिंग सी आई एम का वास, सी वास अब क्या क्लेवर, क्लेवर एडजेक्टिव होने के कारण क्या हो जाएगा वेरी में, दैट सी वास वेरी क्लेवर, इस प्रकार से सेंटेंसेस को जोड़ा गया। तो अंजू एक्सक्लेम्ड दैट सी वास वेरी क्लेवर, अंजू ने आश्चर्य से यह कहा, चंपे से कहा कि वो बहुत ही चालाक थी। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बना सकते हैं और सभी सेंटेंस को एक एक करके अल्टरनेट उनको चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।